सर्दी ऐसी के गर्म रजाई छोड़ने को दिल ही नहीं कर रहा, और जिम्मेदारियां इतनी हैं कि सारी रात शबनम में पड़े हुए गीले कपड़े ना चाहते हुए भी पहनने पड़े, नहीं तो ये जिम्मेदारियां फिर बुरा मान जाती हैं। सुबह स्मोक इतनी थी कि 5 फीट पर ही कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अगर इन बातों को सोचें तो फिर जिम्मेदारियां बुरा मान जाती। सारी रात शबनम में पड़े हुए गीले कपड़े पहनकर काम शुरू कर दिया इसी उम्मीद पर कि एक दिन हमारा भी आएगा, क्योंकि हम उन लड़कों में से नहीं जो बाप का पैसा उड़ाते हैं। हां वो अलग बात है कि मेरी उम्र के लड़के यूनी में और कॉलेजेस में होते हैं, और यही एक जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला मैंने भी लिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं चंद वीडियोस बनाकर वायरल हो जाऊंगा और सुपरस्टार बन जाऊंगा। मुझे तो नहीं पता था यहाँ पर रियल कंटेंट वालों की कोई अहमियत नहीं, यहाँ पर तो लोग कुछ और ही देखना पसंद करते। लेकिन माजरत, हमसे वो नहीं होता, हमें तो बस यही आता है वह तू इज्जु मन तशा वह तू जिल्लु मन तशा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के राह में दे रहे अंधेर नहीं। हमारा वक्त भी एक दिन जरूर आएगा, मुझे उस जात पर उम्मीद है कि मेरा आने वाला कल मेरे आज से बेहतर होगा। सारा दिन मेहनत मजदूरी करके थका हुआ घर आता और वीडियोस बनाना एडिट करना, मुझे उम्मीद है मेरा ये सफर एक दिन ऊंचे मकाम तक पहुंचेगा। बाकी लोगों का क्या, लोग तो किसी सूरत में राजी नहीं, लोग तो आज भी कहते हैं कि ये गलत कामों में पड़ा हुआ है, अपना वक्त जाया कर रहा है, लेकिन मैं एक कान से सुनता हूँ दूसरे से निकाल देता हूँ, क्योंकि लोगों का काम ही बोलना है और वो बोल रहे हैं। इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा कौन देता है यार, 4 साल हो गए, मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझ ही नहीं आ रही कुछ। जहां से गुजरता हूँ लोग हंसते हैं यार, हंसते हैं, कसम से बातें करते हैं मुझ पर कि यार 4 साल हो गए इसको पता नहीं क्या कर रहा है, ये फजूल कामों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। टिकटॉक इस सोशल मीडिया के पीछे मैंने अपनी स्टडी क्विट की थी, कॉलेज छोड़ा था मैंने इस सोशल मीडिया पर कि मैं सोशल मीडिया पर आके स्टार बन जाऊंगा 3-4 वीडियो अपलोड कर और मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, जॉब नहीं करनी पड़ेगी। मुझे तो नहीं पता था मैं इन कामों में पढ़कर मुझे ये मजदूरियां करनी पड़ेंगी। ओनली बॉयज कैन फील दिस, काश यही बात उन्हीं स्ट्रगलर बच्चों के पेरेंट्स को समझ आ जाती तो आज कोई भी नाकामयाब लड़का यहाँ पर ना होता। सही है, मतलब मेहनत करते हैं लोग, लेकिन उनकी फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है। शहर में और देहात में यही एक कॉमन चीज़ मैंने देखी है कि मतलब उधर तो एक है, उनको पता है कि ये चीज़ है, लेकिन यहाँ के देहात के जो लोग हैं ना, इनको नहीं पता कि ये यूट्यूब फेसबुक या सोशल मीडिया यहाँ से भी कुछ, मतलब यहाँ के लोगों का माइंड ये सेट है कि बस इसने मजदूरी करनी है तो हमारा घर चलना है, बाकी इन फजूल कामों में कुछ नहीं रखा। अगर रखा भी है, अगर उनको इस चीज़ के बारे में बताया भी जाए तो ये कहते हैं बस अभी स्टार्ट किया है तो 1-2 मंथ में अगर कुछ रिस्पांस मिलता है तो, नहीं तो ये नहीं तो ये काम ही फजूल है, इसमें कुछ नहीं रखा। तो जहाँ 4 साल मैंने मेहनत की है तो वहाँ 1 साल और भी सही, लेकिन इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर ही मिलेगी मुझे। बाकी अगर स्ट्रगलर हैं और भी हैं, सही है, मैंने देखा है। बाकी आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो, बाकी इंशाल्लाह आप मुझे उम्मीद है कि मैं कामयाब हो जाऊँ।